राजा हर हफ्ते उसके बाल काटने वाले नाई को मरवा देता है, क्योंकि उसके सिर पर एक सींग है और वो नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले। इसलिए वो हर हफ्ते सिपाहियों को गांव में भेजकर एक नाई को लाने के लिए कहता है, मगर उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। इसलिए गांव वाले इस बात से बहुत डरते हैं। आज राजा के सिपाही फिर से गांव में एक नाई को लेने के लिए आते हैं, जहां वो एक लड़के को चुनते हैं जो कि अभी जवान था। उसके जाने से पहले उसकी माँ उसके लिए खाना पैक करके देती है। थोड़ी ही देर बाद उसको राजा के सामने ले जाकर फेंक दिया जाता है। फिर सभी सिपाही वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। फिर राजा उसे एक चाकू देता है और अपनी टोपी उतार देता है। राजा का सिंह देखकर आदमी चौंक जाता है, मगर वो एक राजा है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। आदमी अभी जवान था, मगर उसे बाल काटना बखूबी आता था। थोड़ी ही देर में राजा के बाल कट जाते हैं। राजा अपना चेहरा चाकू में देखता है और उसके काम से बहुत खुश होता है। फिर वो लड़के को बॉक्स में पड़े खजाने को लेने के लिए कहता है। यह कोई बक्सा नहीं था बल्कि नर्क जाने का रास्ता था। मौके का फायदा उठाकर राजा उसे पीछे से बक्से में धक्का दे देता है। वहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसे आदमी पकड़ सके, वो अब किसी भी समय मर सकता था। बेरहम राजा ये देखकर खुश होता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन भाग्य से लड़का बच जाता है और उठकर अपने चारों तरफ देखता है। वहाँ सिर्फ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। आदमी के बचने के चांस ना के बराबर थे, इसलिए वो अपना मुंह नीचे करके रोने लग जाता है। तभी हड्डियों के ढेर से कोई चीज बाहर निकलती है, जिसे देखकर लड़का बहुत डर जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कोबरा सांप था। वो अपनी माँ की दी हुई बीन को बजाने लगता है, जिस कारण सांप नाचने लग जाता है और ही उसका पालतू बन जाता है। मगर अब उसे खिलाने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो अपनी माँ के दिए हुए पराठे उसे खिला देता है, जिससे खुश होकर कोबरा सांप उसे अपने नाक पर बैठाकर उसे बाहर छोड़ देता है। आदमी वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और जाड़ियों से एक भेड़िया बाहर निकलता है। आदमी डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी माँ की बीन बजाने लगता है, जिस कारण भेड़िया भी नाचने लगता है और उसका पालतू बन जाता है। मगर अब इसे खाने के लिए कुछ देना होगा, नहीं तो ये उसे मार देगा, इसलिए वो उसे भी अपनी माँ के हाथ का पराठा खिलाता है, जिससे भेड़िया भी उसे खुश होकर अपनी। आदमी ने जल्द ही भेड़िए को कुछ नहीं खिलाया तो वो उसे मार देगा, इसलिए वो अपनी माँ के हाथ से बने पराठे को निकालकर उसे खिला देता है। भेड़िया इस चीज से खुश हो जाता है और आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर रात होने तक भागता रहता है। शाम को उसे एक घर दिखाई देता है, तो आदमी एक रात वहीं रुकने का फैसला करता है, लेकिन ये कोई आम घर नहीं था। यहाँ एक चुड़ैल रहती थी। वो आदमी को देखकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। आदमी के अंदर जाकर बैठते ही चुड़ैल एक ताली बजाती है और घर की सभी चीजें आदमी को पकड़ लेती है और उबल रहे पानी की तरफ ले जाने लगती है। आदमी मरने से पहले आखिरी बार चुड़ैल से अपनी माँ की दी हुई बीन को बजाने का आग्रह करता है। चुड़ैल भी थोड़ी दयालु होती है, इसलिए वो उसे ये करने देती है। बीन की आवाज सुनकर चुड़ैल अपने आप नाचने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। लड़का ये देखकर डर जाता है और चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर पीछे से चुड़ैल उसे रोक देती है। चुड़ैल को भी भूख लगी थी, अगर उसे भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो वो आदमी को मार देगी, इसलिए वो अपनी माँ का दिया हुआ आखिरी पराठा उसे खिला देता है, जिससे खुश होकर चुड़ैल उसे एक जादुई कोट देती है। चुड़ैल आदमी को एक जादुई कोट देती है, जो कि किसी भी चीज को अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा बना सकता है, बिल्कुल डोरेमोन के एक गैजेट की तरह। आदमी उसे पहनकर देखता है तो वो एक छोटे से लड़के में बदल जाता है। चुड़ैल उस कोट को उतार देती है तो लड़का फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। चुड़ैल कोट को उल्टा करके फिर से आदमी को पहना देती है, तो इस बार लड़का एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। इस चीज से आदमी को एक आइडिया आता है और वो फिर से राजा के महल में एक नाई बन के जाता है, मगर इस बार उसने उस कोट से एक बूढ़े का रूप ले लिया था, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। राजा अपने बाल काटने के लिए उसे एक चाकू देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़का है। वो फिर से राजा के बहुत अच्छे बाल काटता है और राजा उसे बॉक्स में से खजाना लेने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो अंदर देख के बोलता है, महाराज लेकिन मैं इतने सोने का करूंगा क्या। ये सुनकर राजा चौंक जाता है और पास आकर उस बॉक्स में देखने लगता है, लेकिन इस बार आदमी मौके का फायदा उठाकर राजा को बॉक्स में धक्का दे देता है, लेकिन राजा उसकी दाढ़ी पकड़ लेता है और लटक जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपना कोट उतार देता है, जिससे उसकी दाढ़ी गायब हो जाती है और राजा अपने बनाए हुए खड्डे में खुद ही गिर जाता है। राजा की आवाज सुनकर सभी सैनिक अंदर आते हैं, मगर लड़का इस बार कोट को उल्टा पहनकर छोटा हो जाता है।